वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद शिवकन्या। आज हम कुछ idioms देखेंगे जो कि रिलेटेड है फायर, आग से रिलेटेड है। चैनल में आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक देखे ही रखिए, क्योंकि मुझे पूरी गारंटी है कि इस लेसन के एंड में आपके हाथों में गर्मा गर्म idioms होंगे। ये idioms हम सीखेंगे अरुणा और सुधीर के बीच जो कहानी है इसके थ्रू देखेंगे। अरुणा इज प्लेइंग विथ फायर अग्रीइंग टू गो आउट विथ सुधीर। टू गो आउट का मतलब होता है खाली एक साथ जाना नहीं, मेलजोल होना। अरुणा और सुधीर आजकल एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं, मिल रहे हैं। अरुणा इज प्लेइंग विथ फायर, अरुणा मानो आग से खेल रही है। प्ले विथ फायर मीन्स डूइंग समथिंग दैट कुड बी डेंजरस, ऐसी चीज़ ये करना कि जो आगे चल के आपके लिए डेंजरस साबित हो सकती है। टू प्ले विथ फायर, क्यों भाई ऐसा क्या है सुधीर में? रूमर्स अबाउट हिज वायलेंट टेम्पर, रूमर्स ऐसे फैल रही है, अफवाहें ऐसी फैल रही है कि सुधीर का जो टेम्पर है वायलेंट है, हिंसक है। हैव बीन स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर एवर सिंस ही मूव्ड टू द एरिया, जब से वो लोग सुधीर हमारे एरिया में, इस एरिया में आए हैं, तब से उनके बारे में अफवाहें ऐसे चल रहे हैं सुधीर के बारे में कि उसका नेचर वायलेंट है। स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर के मतलब होता है जंगल में जो आग लगती है उसे वाइल्ड फायर कहते हैं। तो गोइंग राउंड वेरी क्विकली मीन्स स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। देखते हैं, ऑफकोर्स मोस्ट पीपल समटाइम्स से थिंग्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट दैट दे डू नॉट रियली मीन, एंड आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ देयर इज इन द रूमर्स, इन अफवाह में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानती। ऑफकोर्स हाँ, मोस्ट पीपल समटाइम्स से थिंग्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट दैट दे डू नॉट रियली मीन, जो बातें उनको सच है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में वो इन द हीट ऑफ मोमेंट कहे जाते हैं। इन द हीट ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है विदाउट थिंकिंग, ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार किए बगैर लोग बोले जाते हैं। क्यों? एंगर और एक्साइटमेंट, लोगों को काफ़ी एक्साइटमेंट होती है दूसरों के बारे में बातें करना, उल्टी सुलटी बातें करना। लेकिन आगे लेखक क्या कहता है, हाउएवर किंतु यू कांट हेल्प थिंकिंग दैट देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, ये भी हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं उसमें सत्यांश भी हो सकता है, कुछ अंश ऑफ ट्रुथ भी हो सकता है, क्योंकि देर इज नो स्मोक विदाउट फायर, जब धुआं निकल रहा है, धुआं दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे आग भी है। इफ पीपल आर सेइंग दैट समथिंग इज ट्रू एंड यू डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट, आपको पता नहीं है कि सच है या नहीं है, लेकिन प्रोबेबली इट इज़ ट्रू, लेकिन सत्य भी हो सकता है, क्योंकि क्या दिख रहा है, धुआं दिख रहा है, धुआं दिख रहा है इसका मतलब है आग है। एनी हाउ, जो कुछ भी हो, सत्य हो या असत्य हो, डोंट ऐड फ्यूएल टू द फ्लेम्स और फायर टू डू समथिंग दैट मेक्स अ सिचुएशन बैड टू वर्स, सिचुएशन पहले ही ख़राब है, वो सिचुएशन और ख़राब करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड एड फ्यूएल टू द फ्लेम्स। लेखक कहता है एनी हो, जो कुछ भी हो, आप आग में तेल मत डालो बाय क्रिटिसाइजिंग सुधीर इन फ्रंट ऑफ अरुणा, अरुणा के सामने तो कम से कम सुधीर पे क्रिटिसाइज मत करो, उसकी आलोचना मत करो, क्योंकि क्या होगा, एज यू विल ओनली मेक हर कीनर ऑन हिम, आप कितनी भी आलोचना करो सुधीर और अरुणा फिलहाल तो अलग नहीं होने वाले। ऑन द अदर हैंड क्या होगा, उल्टा, यू विल मेक हर कीनर ऑन हिम, टू मेक somebody कीन ऑन somebody, इसका मतलब होता है वो उसके प्रति और आकृष्ट हो जाएगी, उनमें और आकर्षण बढ़ेगा। तो ये थे हमारे कुछ idioms जो हमने सीखे सुधीर और अरुणा के स्टोरी के थ्रू। इन दोनों का आगे क्या होगा अगले एपिसोड में देखते हैं, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि कौन कौन से idioms हमने देखे, रिवाइज करते हैं। प्लेइंग विथ फायर, स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, देर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, एड फ्यूएल टू द फ्लेम्स और फायर, ये पांच idioms हमने देखे। इसमें से आपको जो ईजी लगा, सिंपल लगा, अच्छा लगा, कि जो आप ईजीली डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और हो सके तो उस idiom का अपने वाक्य में उपयोग करके वो वाक्य भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। विल बी बैक वेरी सून विथ वन मोर न्यू लेसन, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग,
लर्न इंग्लिश विद शिवकन्या. थैंक यू फॉर योर टाइम, लव एंड सपोर्ट. पीस.